गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आपका सिविल कोर्ट जो हजारीबाग जो कि झारखंड में है, एक जो नोटिफिकेशन जैसे विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2023, जिसके अंदर आपका टोटल वैकेंसी 102 वैकेंसी दिया गया है। और इसमें जो वैकेंसी है आपका प्यून पोस्ट है, ड्राइवर, दफ्तरी, माली और स्वीपर, ये पांच प्रकार की वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। टोटल वैकेंसी जैसे मैंने बताया हूँ 102 वैकेंसी आपका व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी आपका ऑफलाइन वैकेंसी है, इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट में आपका जो फॉर्मेट को आपको भर के खुद का हाथ में जो ऑन हैंड राइटिंग में देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको भर के जो नीचे दिए गए जो पते हैं, जो एड्रेस है, एड्रेस के ऊपर आपको भेजना पड़ेगा। तो ये जो वैकेंसी है प्योरली आपका झारखंड राज्य के जो सभी जो कैंडिडेट्स हैं, खास करके जो 10th पास जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। और जो 10th से हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे अगर चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए, इन्हीं पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट क्लियरली इसको बता देता हूँ, ये आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपको भेजना होगा। देखिए यह जो पांच प्रकार की जो वैकेंसी है जैसे बताना चाहूँगा, ये देखिए पांच प्रकार की जो वैकेंसी है, सबसे पहला जो वैकेंसी आपका जो प्यून है, प्यून का टोटल वैकेंसी आपका 93 है, जिसके अंदर देखिए आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 5, आपका अनुसूचित जाति के लिए 23 और जो सामान्य वर्ग यहाँ पे देख सकते हैं जो 65 वैकेंसी है, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं। सेकेंड जो वैकेंसी आपका चालक, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, टोटल वैकेंसी उसका 4 है, 4 में से 1 वैकेंसी आपका अनुसूचित जाति के लिए है और 3 वैकेंसी आपका सामान्य वर्ग के लिए है। उसके बाद तीसरा जो वैकेंसी आपका दफ्तरी, ठीक है, उसमें भी दफ्तरी का जो वैकेंसी टोटल 3 वैकेंसी है, जिसके अंदर 1 वैकेंसी आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और ये जो 2 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया सामान्य वर्ग के लिए है। चौथी वैकेंसी आपका माली का वैकेंसी है, माली का 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आपका सामान्य वर्ग के लिए है। पांचवा वैकेंसी यहाँ पे आपका स्वीपर के लिए, ये भी आपका 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 93 वैकेंसी टोटल वैकेंसी जो प्यून का, जो आदेश पाल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी जैसे मैंने बताया हूँ वो 102 वैकेंसी है। तो खास करके जो 10th जो पास जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी देखिए ये जो नोटिफिकेशन के अंदर देखिए जो जो पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि हमने वैकेंसी डिटेल्स इसमें कवर किया है, टोटल वैकेंसी पोस्ट वाइज और आपका श्रेणी वाइज दैट मीन्स आप कैटेगरी वाइज, ठीक है, हमने डिस्कशन किया है। अभी बात करेंगे ये जो तमाम जो पांच प्रकार की जो पोस्ट है, पोस्ट की जो सैलरी वेतननामा क्या रहेगा, उसके लिए योग्यता की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता क्या है और भर्ती की जो तरीका है, जो प्रक्रिया जिसको सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं, वो सभी जो पॉइंट्स के ऊपर और इसमें आपका जो लास्ट डेट क्या रहेगा, ठीक है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम इसमें जो है विस्तार से डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसका देखिए जो पूरी जानकारी डिस्कस करने से पहले, संपूर्ण जानकारी डिस्कस करने से पहले, झारखंड राज्य के जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं सबको सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे होंगे या पहले से देखते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग अगर इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन आपका झारखंड राज्य का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के किसी भी जॉब के लिए नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं, आप कृपया करके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के लिए आप जो है पर्सनलाइज हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये जो नोटिफिकेशन को आप शेयर कर सकते हैं आपका जो फ्रेंड्स के बीच में, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपका जो अगर कोई फ्रेंड सर्कल में या दोस्ती यारी में कोई बच्चा अगर एलिजिबल है आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी चलेंगे हम पोस्ट वाइज, जैसे सबसे जो पहला पोस्ट है आपका प्यून की बात करेंगे, प्यून का जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा ये देखिए आपका 18,000 से 56,900, ये आपका स्केल अप पे। इसके अलावा आपको DNS अलाउंस, जिसको DA कहते हैं, महंगा भत्ता जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपको जो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। और इस जो पोस्ट के लिए आपको सिर्फ मैट्रिक पास की ज़रूरत है, ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं है इसमें दिया नहीं गया, सिर्फ आपको पास या जो हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसके पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो भर्ती का तरीका है, जिसको हम सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे सक्सेस मतलब क्वालिफाई करेंगे वो बच्चों को साक्षात्कार इंटरव्यू, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं, ये दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
सेम चालक के लिए जो आपका ड्राइवर वैकेंसी है उसके लिए देखिए स्केल अप पे 19,900 से लेकर 63,200 रहेगा, जो कि पहले बुलेट टू के अंदर अंतर्गत है। ये आपका सिर्फ स्केल अप पे है, ठीक है। इसके अलावा अन्य बताएं, जो मैंने बताया जैसे पहला जैसे पीओन के लिए लागू है, बाकी सभी के लिए अन्य बताएं लागू है। इसके लिए भी आपका मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका लाइट व्हीकल हल्के जो हल्के वाहन होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें देखिए सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन आपका ड्राइविंग का जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएंगे और ड्राइविंग टेस्ट आपको करवाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो वैकेंसी आपका दफ्तरी का है, इसमें देखिए पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 आपका पे स्केल रहेगा। उसके साथ साथ अन्य बताएं, सभी बताएं, जो स्टेट गवर्नमेंट में अदर एम्प्लॉयज अन्य जो एम्प्लॉयज को लागू है वो भी आपको लागू है। इसके लिए दफ्तरी के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ आपका एक वर्ष का कार्य अनुभव जो वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इसका सिलेक्शन के लिए देखिए आपका कौशल परीक्षा किया जाएगा, स्किल टेस्ट किया जाएगा, मतलब कार्य करने की जो क्षमता वो देखा जाएगा, ठीक है, और साक्षात्कार, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। चौथी वैकेंसी जैसे माली का वैकेंसी है, इसमें देखिए आपका स्केल अप पे के 18,000 से लेकर 56,900, इसके लिए भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल की कार्य अनुभव माली के लिए, ठीक है। और इनका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, कौशल परीक्षा किया जाएगा एवं साक्षात्कार, ये दोनों चीज़ों को आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए पांचवा जो वैकेंसी यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, जैसे मैं बताना चाहूँगा, पांचवा जो वैकेंसी है आपका स्वीपर का वैकेंसी है। इनका देखिए पे स्केल आपका 18,000 से लेकर 56,900 रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपका मैट्रिक पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 वर्ष की जो है कार्य अनुभव होना चाहिए। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें कौशल परीक्षा और साक्षात्कार, ये दोनों चीज़ जैसे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इसका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका जो आयु सीमा जो काउंट किए जाएंगे वो 1 अगस्त 2022 तक ही आपका आयु सीमा, जो मिनिमम एज लिमिट, न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा दोनों इस डेट तक काउंट किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एक क्रूशियल डेट है, 1 अगस्त 2022 है। 1 अगस्त 2022 तक किसी भी कैंडिडेट्स का 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए जो सामान्य जाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनका अधिकतम आयु की सीमा 35 वर्ष तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के जो कैंडिडेट्स हैं वो 37 वर्ष तक इस जो पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिलाओं के लिए 38 वर्ष, ठीक है। जो महिलाएं हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे अत्यंत पिछड़े वर्ग के महिलाएं जो है उनके लिए 38 वर्ष तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं वो 40 वर्ष तक इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये उम्र सीमा में किसी भी जो कैंडिडेट्स को किसी प्रकार का शंका नहीं रहेगा, ठीक है। चलते भी नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए जो भी जो उम्मीदवार इसमें जो अप्लाई करेंगे, ये जैसे कि मैंने पहले से भी कह रखा हूँ, ये आपका ऑफलाइन है। इसमें फॉर्मेट सबसे लास्ट में फॉर्मेट दिया गया है, इसको मैं दिखाऊंगा। उसी फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए आपका दोनों चीज़ आपको भरना पड़ेगा, एक तो आवेदन पत्र, दूसरा आपका जो प्रवेश पत्र, ये आपका देवनागरी लिपि में जो है भरा जाएगा। भरने के बाद आपका प्रधान जिला और जो सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को आपको संबोधित करते हुए उनका एड्रेस इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। और ये जो आपका आवेदन पत्र जो है पहुंचने का जो अंतिम तिथि है ये है 28 फरवरी 2023 तक। आप निर्धारित डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, या स्वयं लेके जमा कर सकते हैं, ठीक है। अपने हाथ में लेके जमा कर सकते हैं। जैसे किसी भी जो कार्य दिवस है, किसी भी कार्य दिवस, जैसे वहाँ पे कार्य दिवस का जो समय है 10:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। बट आपको याद होना चाहिए 28 फरवरी 2023 आपका अंतिम तिथि है, उससे पहले जो है आपका या 28/2 तक आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आवेदन पत्र आप जब भेजेंगे या आप खुद स्वयं जब पहुँचाएँगे आवेदन पत्र में, आपका तीनों जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक तो फोटोग्राफ का आपका आवेदन पत्र में होगा, आवेदन पत्र में लगा होगा, दूसरा आवेदन पत्र जो है दूसरा जो फोटो होगा वो आपका प्रवेश पत्र जिसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं, और तीसरा एक अतिरिक्त फोटो उसमें होगा। 3 फोटो आप भेजेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक अतिरिक्त लिफाफा, ठीक है, एक लिफाफा में तो आप डालेंगे, दूसरा एक अतिरिक्त लिफाफा जो जिसमें
खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। लिफाफे का साइज आप देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए, जिसके ऊपर 40 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। एक अतिरिक्त जो लिफाफा देंगे उसमें 40 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए और इसमें एक एडिशनल फोटो भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको जो संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्रारूप है, जिस जो फॉर्मेट आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो व्यवहार न्यायालय आपका हजारीबाग का जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, इसी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, जो और जो आप जो लिफाफा में डालेंगे, लिफाफा में जब आवेदन करेंगे, लिफाफा के ऊपर आपका विज्ञापन की संख्या, विज्ञापन की संख्या जैसे आपका 1/2023 है विज्ञापन की जो संख्या है, ठीक है, वो डालेंगे। आवेदित पदों का नाम, कौन सी पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य से आते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, कौन सी श्रेणी से आते हैं, ये इसमें आपको साफ साफ उस लिफाफे के ऊपर लिखना है, ठीक है। यही देखिए, और जब आवेदन पत्र आप जब मतलब उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो जिस भी श्रेणी से आप आते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कॉपीज, जो जेरेक्स कॉपी उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपका जाति प्रमाण पत्र, सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मतलब इसके साथ जोड़कर आपको देना होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र जो भेजेंगे, आवेदन पत्र में जो एड्रेस होगा, देखिए सेवा में आपका प्रभारी जो न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, ये रहेगा आपका एड्रेस रहेगा, इसी एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट या निर्धारित डाक या स्वयं जाके जमा कर सकते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसे प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश जो व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये देखिए उसका फॉर्मेट है, ये जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, यहाँ पे सबसे पहले एक फोटो लगेगा, आपका जो डिटेल्स मांगा है पत्ता, इसमें हिंदी और अंग्रेजी में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो जो डिटेल्स इसमें मांगा है वो डिटेल्स आपको साफ सुथरे जो है तरीका से आपको भरनी होगी। उसके साथ यहाँ पे देखिए एक घोषणा पत्र भी है, ये घोषणा पत्र को पढ़कर आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर करना होगा, दिनांक और स्थान कौन से स्थान से आप भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, जैसे व्यवहार न्यायाधीश हजारीबाग, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगेगा और आपका नाम, आपका पति या पिता के नाम, पत्राचार का जो पता, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो डिटेल्स मांगा है इसमें आपको भर के, ये आपका जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र के से पहले ये जो दिखाया है, ये आपका जो है आपका आवेदन पत्र, आवेदन पत्र के साथ साथ प्रवेश पत्र और उसके साथ अतिरिक्त लिफाफा, अतिरिक्त एक फ़ोटो, ठीक है, उसके साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड किए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ जो है आपका जो मैट्रिक का जो बोर्ड सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, आपका जिस श्रेणी चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट को आपको संलग्न करके जो है भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाएंगे या आपका जो साक्षात्कार के लिए जो बुलवाए जाएंगे उसमें प्रवेश पत्र में आपका डेट्स वगैरह वो मेंशन होकर आ जाएगा, ठीक है। खास करके दोबारा इसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, जो खास करके 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो 10th पास किए हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक झारखंड सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है आप लोग पक्का जो है प्राप्त कीजिए। चलिए इस नोटिफिकेशन का जो सारांश था, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आराम से समझ जाएगा, फिर भी अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन में दिक्कत आपको होता है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो नोटिफिकेशन, ठीक है, मेरा टेलीग्राम पेज है वो टू सक्सेस के नाम से, वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जो PDF है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। जो कैंडिडेट्स संपूर्ण PDF को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पेज का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट को भी उसमें आपको इसमें फॉर्मेट भी मिल जाएगा। चलिए इस नोटिफिकेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।